वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। भगवान के भक्त लोग अपने ठाकुर जी का ही सहारा हमेशा ढूंढते हैं, अर्थात अनन्यता और प्रभु के प्रति आश्रय, ये बहुत मजबूत उनका होता है। और उनकी सेवा, उन भक्तों की सेवा प्रकारांतर से इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी करते रहते हैं। मैं अभी बता रहा था ना कि आत्मा की सेवा लक्ष्मी माता करती हैं, लक्ष्मी के प्रसंग में करेंसी नोट के विषय में बता रहा था। तो मैं ये आपको फिर से याद कराना चाहता हूँ कि जल भी लक्ष्मी का रूप है। एक बार दुर्वासा जी ने जब श्राप दिया था इंद्र को कि लक्ष्मी विहीन हो जा, तो सब कुछ जंगल सूख गया, पानी खत्म, अन्न खत्म, तो लक्ष्मी का मतलब यही हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो जाए या उसकी परसेंटेज डाउन हो जाए या जल सूख जाए या भोजन का अभाव हो जाए, तो लक्ष्मी का मानो कोप हो गया। और आज उस कार्य में हम लोग निमित्त बन रहे हैं। कैसे? यमुना मैया का वर्णन प्राचीन काल का मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा था तो कहा था, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणी कंथम कुरु। हे जीव गोस्वामी, हे रूप सनातन, तुम जा रहे हो यमुना जी का जल पीना वृंदावन धाम में। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलम, जलमलम मतलब अमल जल जो है, निर्मल जल, उसको पान करना। और आज हम लोग आधुनिकता की झोंक में यमुना मैया को प्रदूषित करते जा रहे हैं। यमुना जल को ऐसा बना दिया कि आचमन करने का मन नहीं होता। ये किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाया। तमाम गंदगी डालते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, और भूगर्भ के जल को भी, जमीन के जल को भी तमाम ये सीवर लाइन अंदर इतना गहराई तक पहुंचा दिया कि पीने लायक पानी नहीं रहा। तो मनमानी प्रकृति का ये दोहन नहीं है, शोषण है। स्वयं भागवत अवतार पृथ्वी जी महाराज, भागवत जी में वर्णन है कि पृथ्वी जी ने धरती को गौ बनाकर दोहन किया था। दोहन का तात्पर्य होता है कि बच्चा भूखा है उतना वो दुग्ध पान कर ले, वो दोहन हुआ। और शोषण क्या हुआ कि जब दूध नहीं दे तो उसको डंडा मार करके दूध निकालना, वो शोषण हुआ। तो हम लोग प्रकृति का दोहन करें वो तो ठीक है, लेकिन प्रकृति का शोषण न करें। शोषण करने से क्या होगा कि जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो कोप होगा और फिर तमाम प्रकार की आपत्तियां आएंगी। इसलिए उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, प्रकृति को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान की क्रिया शक्ति है जो जग, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सृजति जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। उनका हम लोग पन्नी के द्वारा, तमाम पन्नी नाले में भरी पड़ी, यमुना जी में भरी पड़ी, और गंदा हो रहा है जल, गंदगी डाले, पन्नियों से भर दिया। तो इतना तो कर सकते हैं कि बाजार जाएं तो भाई झोला लेके जाएं, उसी में लाओ, काहे को पन्नी बर्बाद करते हो, रास्ता सब खराब करते हो, नाले कूड़े कचड़े से भर दिए। अब वो विषय अलग चला जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।